हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही हो तो आप ऐसे थम कीजिए मुझे, तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम टू अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया पेज। माई सेल्फ मेघा फानिल शाह फ्रॉम अहमदाबाद, प्रोपराइटर ऑफ D&D फूड प्रोडक्ट। आज मैं आपको हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ। जो अभी विंटर भी आ रहा है, इसलिए वो हेल्दी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है प्रोटीन रोल्स। हम उनके पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। ये डेट्स है, गुजराती में इसको खजूर बोलते हैं। कोकोनट पाउडर, इलायची पाउडर, पॉपी सीड्स यानी खसखस, राइजिन ड्राई ग्रेप्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, पिपरामल पाउडर जिसको हम गंठोला बोलते हैं गुजराती में, और ये ड्राई जिंजर पाउडर जिसको अदरक और आदू बोलते हैं, और ये घी। अमूल ने हमें चांस दिया है अपनी रेसिपी को दिखाने का, तो उसको अमूल को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी मैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। करीबन 2 चम्मच लिया है मैंने। घी अपना गरम हो गया है, इसमें हम सब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमको रोस्ट करना है घी में, थोड़ा क्रंची भी हो जाएगा अपनी रेसिपी में। अभी मैं 3 चम्मच ले रही हूँ, आलमंड्स ले रही हूँ, वो भी मैंने 3 चम्मच लिया है। इसको हम धीमी आंच पे सौते करेंगे। अभी विंटर आ रहा है, ऐसे भी कोविड चल रहा है, तो हमें है कि बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाए, क्योंकि स्कूल भी बंद है, सब बच्चों की सब घर पे है। कोविड के हिसाब से ये रेसिपी, विंटर और कोविड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रेसिपी सिलेक्ट की है। जस्ट रोस्ट ही करना है, उसको ज्यादा पकाना नहीं है हमें। अब होने लगा है अपना, थोड़ा कलर्स भी चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। स्लो फ्लेम में इसलिए करना है कि अपने जो भी नट्स है वो जलने नहीं चाहिए, सिर्फ रोस्ट होने चाहिए। Thank you.
ये रोस्ट हो जाते हैं ना उसकी स्मेल अच्छी आने लगती है, मतलब होने वाला है अभी, बस एक मिनट। रोस्ट इसलिए करना है इधर क्योंकि हम सब आलमंड्स वगैरह फ्रीज में रखते हैं, तो उसमें थोड़ा भी वो फ्रीज ही होता है कोल्ड, और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, तो अपनी कोई भी चीज़ हो बिगड़े ना, इसलिए इसे रोस्ट करना है। कहीं लोग कच्चे भी डालते हैं पर मैं प्रीफर करती हूँ रोस्ट करके ही सब डालो आप। ये अपना हो गया है, फिर ये हो जाने के बाद ही हम ये ड्राई ग्रेप्स जिसे हम राइजिन बोलते हैं उसको जो जस्ट सौते ही करना है, और एक चम्मच पॉपी सीड्स। राइजिंग जल्दी से हो जाती है इसलिए हमें लास्ट में ये पॉपी सीड दोनों करनी पड़ती है क्योंकि वो जल ना जाए। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। ये हो गए अपना, और एक चम्मच घी और डालेंगे। स्लो फ्लेम पे रखने का, और ये अपनी जो डेट्स है वो लेंगे। ये मैंने करीबन 300 ग्राम जितनी ली है वे इसमें अंदर ऐड कर देंगे। मैंने ये डेट्स ली है वो सीडलेस है, और सॉफ्ट वाली देख के ही मैंने ली है। कई बार कि ऐसा हो जाता है कि सीडलेस हो पर इतनी हार्ड होती है, तो फिर कई लोग तो इसे क्रश करके भी करते हैं, पर मैं ये उसको बारीक थोड़ा सा चॉप करके और उसको मैंने रोस्ट किया है, क्योंकि ये हम रोस्ट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और अपना अच्छा वो बाइंडिंग भी देगी, और थोड़ा भी वो कहीं फ्रीज में कभी भी आप डेट्स मत रखो क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाता है। जब भी लाओ तब ये बनाओ, फिर अदरवाइज आपने फ्रीज में रखा है तो थोड़े टाइम पे बाहर रखो आधे घंटे के लिए, फिर उसको घी में सौते कर दो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तुरंत ही निकाल के कभी भी कोई रेसिपी में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्राई भी होता है और उसका वो फ्रीज का जो टेम्परेचर होता है वो कूल होता है, और बाहर का टेम्परेचर अपना अलग भी होता है, इसलिए थोड़ी वो ध्यान रखना पड़ता है कोई भी रेसिपी में। कई बार हमें लगता है कि ये क्यों बिगड़ा, पर ये छोटी छोटी टिप्स, ये अमूल का नुस्खा ही है कि छोटी छोटी टिप्स में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपनी रेसिपी भी अच्छी होगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। आपको कुछ पूछना हो तो
जो अपने रोस्ट किया था वही घी भी हमने इस्तेमाल कर दिया है। कुछ भी वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और अपनी रेसिपी भी अच्छी बननी चाहिए। छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के करते हैं तो अपनी रेसिपी हमेशा बढ़िया ही बनती है। ये देखो अब ये सॉफ्ट होने जा रहा है। जिंजर पाउडर हमने ये रेसिपी में लिया है डेट्स, अपनी जो खजूर आती है वो। फिर हमने लिया है आलमंड्स और कैश्यू। फिर लिया है पॉपी सीड्स और ये पिपरा मूल पाउडर है जिनको हम गंठोला बोलते हैं। और ये ड्राई जिंजर पाउडर है, अदरक का पाउडर है, सब ड्राई है वो। राइजिन लिया है और ये इलायची पाउडर है, कोकोनट है ड्राई। और घी लेके हमने सबको पहले ड्राई नट्स को 150-300 ग्राम हमने ली है। ये रेसिपी में एक है कि आप मैंने जो मेरी रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं, पर आपको कम ज़्यादा करना हो तो उसका टेस्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि डिफरेंट हो जाएगा। ये रेसिपी चेंज कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसमें नहीं शुगर आएगा, नहीं गुड़ आएगा, जैगरी दोनों नहीं आएगा, इसलिए इसमें टेस्ट का जो है वो मिठास है वो ये अपने डेट्स की ही होगी, खजूर की ही होगी। देख सकते आप ये अपना सॉफ्ट होने वाला है। अब एक साथ सब जुड़ गया है और पैन भी अपना छोड़ रहा है। ये सॉफ्ट थोड़ा होना चाहिए क्योंकि थोड़ा भी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा भी वो पक्का नहीं तो फिर अपने को हैंडल करने का, उसमें सब मिलाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा और अपना लॉन्ग टाइम भी वो उसकी सेल्फ जो होती है लाइफ तो वो भी बढ़ेगी। अच्छा पकना चाहिए बस। ये अपना हो गया है, हमने बंद कर दिया है अपना स्टोव। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई जिंजर पाउडर। मैंने 2 चम्मच लिया है, छोटी चम्मच है, और 1 चम्मच गंठोला पाउडर, थोड़ा सा और ले रही हूं मैं।
ये अपना इलायची पाउडर है, ये फ्लेवर अच्छा देगा और इसकी भी थोड़ी मिठास होती है। ये पिंच ऑफ डालेंगे। फिर हमने ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो इसमें मिला देंगे। Can I blend the dates and cook? No, it's only cook, not blend. आप ब्लेंड करना चाहते हो तो वो आपके हिसाब से, पर ये ऐसा करने से क्या वो क्रंची होता है, बच्चों को भी खाने का अच्छा लगता है। वो ब्लेंड कर देंगे तो उसका वो पेस्ट जैसा हो जाएगा और जब उसको घी में सौते करेंगे वो पेस्ट को, तो वो थोड़ा भी ध्यान हटा तो फिर वो जल सकता है। What is gunthoda powder? Pipramul powder. English word is pipramul powder. वो अदरक जो अपना ड्राई जिंजर है इतना तीखा नहीं होता, वो थोड़ा माइल्ड होता है। वो इस स्टेज पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर या पिपरामुल पाउडर जो गंठोला है वो आपको ज्यादा कम करना है तो भी आप कर सकते हो। इसको हम निकाल देंगे इस प्लेट पे। ये थोड़ा हॉट रहता है, आप वो हैंडल कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आपको हैंडल ये गरम गरम लगता है तो फिर आप थोड़े एक दो मिनट के बाद आप कर सकते हो। ये कोकोनट पाउडर है, यहां मैं ले रही हूं थोड़ा। आप अपने हिसाब से, जैसे कि ये लड्डू, ये क्या है, ये जब हम बाइंड करेंगे तब हाथ में ही घी छूटेगा, अदरवाइज आपका घी कम पड़ा हो और ऐसे छूटे नहीं, क्योंकि जो भी हॉट होता है ना उसमें घी तुरंत ही छूटता है। आप वेट करोगे तो घी इतना नहीं छूटेगा, और वेट कर, आप वेट कर लिया तो फिर आपके पाम पे वो घी लगा के फिर उसके जो भी आपको शेप देने वो दे सकते हैं। मैं हैंडल कर सकती हूँ इसलिए मैंने ये अपना, अभी मैं सिलेंडर शेप दे रही हूँ। कैसी लगी मेरी रेसिपी आप कमेंट में बताइए मुझे, और फिर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 300 ग्राम डेट में ड्राई फ्रूट कितना? दोनों मैंने दो दो चम्मच लिए हैं, आलमंड्स और कैश्यू और पॉपी सीड्स और राइजिंग दोनों हाफ हाफ चम्मच लिए हैं। वो इसमें मेजरमेंट नहीं होता, आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ज्यादा कम कर सकते हो। मुझे ड्राई फ्रूट्स ज्यादा पसंद है इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स ज्यादा ना डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ड्राई फ्रूट्स अपने को जो खिलाना है, वॉलनट भी कई लोग डालते हैं वो भी, जो ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते इसमें ये डाल सकते हो आप, और ये रेसिपी तो सब घर के सब खा सकते हैं। इसको जब बनाते हो तो आप जल्दी थोड़ी स्पीड रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो उसका रोल वगैरह नहीं बनेगा, अदरवाइज आपको रोल कुछ नहीं बनाना है तो प्लेट में भी आप ग्रीस करके लगा सकते हो।
गंठोला पाउडर आपको ग्रोसरी शॉप होती ना वहां पे मिल जाएगा, उसको पिपरामल पाउडर भी कहते हैं। ये विंटर में जो भी रेसिपी अपनी बनती है वो हम जो विंटर में वो मेथी के लड्डू बनाते हैं, अड़दिया पाक बनाते हैं, हमारे गुजरात में तो बहुत खाया जाता है ये। बाहर के स्टेट वाले को कदाच आई थिंक आपको वो गंठोला पाउडर पता नहीं होगा, पर उसको इंग्लिश वर्ड में बोलते पिपरामल पाउडर। आपको कुछ भी क्वेरी हो, शायद मैं आपको अभी आंसर ना दे सकूं, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आफ्टर सेशन आपको सब वो रिप्लाई कर दूंगी, डोंट वरी। और मैं अपनी रेसिपी भी उसमें डाल दूंगी। कोकोनट भी मैंने पैन अपने गरम करके, फिर वो पैन हॉट होना चाहिए, उसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, फिर स्विच ऑफ कर देना पैन, और वो कोकोनट को जस्ट 1-2 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम कोकोनट को बाहर ज्यादा टाइम पर रख नहीं सकते, इसलिए हमने हमको फ्रिज में रखना पड़ता है, और फ्रिज में रखने के लिए वो अंदर उसका जो पानी का वो होता है वो निकल जाना चाहिए, वरना जो ऐसे ही अपने यूज कर देंगे तो फिर अपनी रेसिपी बिगड़ सकती है। और कोकोनट में एक ध्यान रखना कि आपका कोकोनट कभी भी आप करो यूज करो तो आप टेस्ट कर लेना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं करोगे कुछ उसमें सॉल्टी या वो खट्टापन भी आ जाता है, तो उसमें अपनी रेसिपी बिगड़ सकती है। अपने हिसाब से रोल छोटे बड़े कर सकते हो, कोई शेप देना हो तो आप दे सकते हो, कि बस बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। अब ये इसको हम सर्व करेंगे।
थैंक यू ऑल व्यूवर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे रिप्लाई जरूर से करिएगा। एक्चुअली मेरा D&D का जो फूड प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसमें ये हर एवरी ईयर ये रेसिपी जो मैंने अभी बनाई आपको, उसके ज़्यादातर वो लोग मेरे साथ यही लेते हैं, क्योंकि ये क्या बड़े भी खा सकते हैं, छोटे भी खा सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत बढ़िया है, आपके बच्चे को फीड करा रहे इसके लिए भी बढ़िया है, फिर अपने जो अपने घर में डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं क्योंकि वो गुड़ शुगर कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए भी बढ़िया है। और अभी जो कोविड का चल रहा है, तो अभी विंटर भी आ रहा है, तो अपने जो सर्दी खांसी वगैरह होता है उसमें हम ड्राई अदरक का पाउडर डाला है, फिर वो गंठोला पाउडर डाला है, वो उसमें जो अपने गैस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो का होता है, तो उससे भी थोड़ा अपना हेल्प हो जाती है अपनी रेसिपी। इंग्रेडिएंट आप इसमें ऐसे लीजिए कि अपने को अपनी हेल्थ में भी अच्छा रहे और खाने भी अच्छा रहे। फिर मुझे बस ये रेसिपी आपको बतानी थी, और थैंक यू सो मच फॉर अमूल होल टीम एंड ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।